नमस्कार, ये आदतें तुरंत छोड़ देना। अगर ये आदतें आप में है और अगर आपने छोड़ दी ना, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपका रेस्पेक्ट करेगी, दुनिया आपकी इज्जत करेगी, दुनिया आपकी आदर करेगी। वरना तो क्या है, आप भी सामान्य लोगों की तरह जी रहे हो, जीते रहोगे, एक दिन कचरा हो, कचरा ही बन जाओगे। ऊपर उठना है, लोगों के बीच में अपनी रेस्पेक्ट बनानी है, लोगों के बीच में अपनी इमेज बनानी है, तो आपको ये आदतें छोड़नी होगी। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये सब बातें होती हैं। और वो फाइव बातें क्या हैं, अभी आप देखिए। नंबर 1, पैसों का लेन देन साफ रखना, ध्यान रखना। आज के टाइम में लोगों की इमेज इसी से जुड़ी हुई होती है। चाहे आप किसी से 1,000 रुपए ले रहे हो या किसी से 50,000 रुपए ले रहे हो, जो समय दिया है उस समय पर पे करना, चाहे कुछ भी हो जाए, बात साफ रखना, हिसाब लेन देन। एक बार आप ले लोगे, कोई बात नहीं, आपकी मदद कर देगा, कोई भी कर देगा, लेकिन जब दूसरी बार आप रीपेमेंट नहीं करोगे, तो जब अगेन आप उसके पास पैसे मांगने जाओगे, क्या वो देगा आपको? डेफिनेटली नहीं देगा, देगा तो नहीं देगा। इसके अलावा 10 जगह आपकी बात वो और करेगा, वो 10 जगह आपकी इमेज खराब करेगा। ध्यान रखना, आपके 1,000 रुपए के पीछे वो 10 लोगों में आपकी इमेज खराब कर देगा। कुछ नहीं यार, उसको पैसे दिए, वो टाइम पे नहीं देता है, उसका लेन देन साफ नहीं है, आपकी इमेज तो लोगों के बीच में खराब हो गई ना। तो पैसों का लेन देन बिल्कुल साफ रखना, पैसों का लेन देन साफ रहा ना, तो बस आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी। सेकंड, हमेशा उपलब्ध ना रहें, ध्यान रखना। हर वक्त अगर आप फ्री रहोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो हर कोई कहेगा अरे यार मेरा ये काम कर ले, मेरा ये काम कर ले। हर कोई आपको काम देगा, और काम देगा तो देगा, साथ में यही कहेगा अरे यार कुछ भी वो कर लेगा यार, वो फ्री रहता है दिन भर, यार उसको दे दो यार। इसमें आपकी अच्छाई नहीं जाएगी, बुराई जाएगी। किसी ने आपको काम दिया, आपने काम कर लिया, उसको आपकी तारीफ करनी चाहिए, वो आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो 3-4 लोगों के बीच में क्या कहेगा, अरे यार आपको काम है उसको दे दो यार, वो फ्री बैठा रहता है, आपका काम वो कर लेगा। तो आपकी इज्जत तो खराब हो रही ना, आपकी इमेज तो खराब हो रही ना। आप तो समझ रहे हो, नहीं यार मैं तो उसके लिए यार अच्छी मदद कर रहा हूं, उसकी यार उसका काम कर रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं। आप 10 लोगों का काम करोगे, 3 लोग तारीफ करेंगे, 7 लोग आपकी बुराई कर देंगे, वो फ्री रहता है यार उसको काम दे दो, वो आपका काम कर लेगा। इसलिए हर वक्त फ्री मत रहना। थर्ड, सबको हाँ मत करना, ध्यान रखना। सबको हाँ कहने में कभी कभी आपके लिए भी समस्या आ सकती है। हाँ कहने की आदत बहुत होती है लोगों में, बहुत से लोग क्या सोचते हैं यार, वो हर काम कहते तो हाँ कर लेते हैं, नहीं हमारी इमेज बनेगी यार, हम मतलब किसी कार्य को मना नहीं करते। ठीक है, आपकी इमेज बनती है, आप किसी कार्य को मना नहीं करते, लेकिन आपका काम तो डिस्टर्ब होता है दूसरों के चक्कर में। जो काम इंपॉर्टेंट है उसी को हाँ कहें, छोटे छोटे काम में हाँ ना करें कि ये मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। सब आप कर लोगे तो फिर आप अपने लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लोगों का ही काम दिन भर करते रहोगे। ऐसा मत करना, सबको हाँ कभी मत करना, तभी आपकी इमेज बनी रहेगी। वरना सबको हाँ कर दिया तो आप तो कुछ नहीं करोगे, दिन भर लोगों के ही काम करोगे, तो फिर आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी इमेज जीरो हो जाएगी। फोर्थ, झूठ मत बोलना, ध्यान रखना। बात बात पर झूठ बोलने वाला इंसान है ना, उसकी इमेज कभी नहीं होती है। किसी भी कंडीशन में झूठ मत बोलना। हाँ कभी कभार किसी का भला हो रहा हो तो छोटा मोटा झूठ बोल लेना, वरना बार बार झूठ बोलोगे ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, और आपकी इमेज तो बिल्कुल धूल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ध्यान रख लेना। हमेशा व्यस्त रहना, ये बात भी ध्यान रखना, कभी फ्री मत रहना, हमेशा व्यस्त रहना। लोग ये कहना चाहिए यार उसको टाइम नहीं, यार वो दिन रात मेहनत करता है, तो बस दिन रात मेहनत करिए। ध्यान रखना, आज के टाइम में मेहनत करने वाले की इज्जत है। आपके पास पैसे कम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी डेफिनेटली। पैसों से इज्जत नहीं होती है, एटिकेट्स व्यवहार से लोगों की इज्जत होती है। पैसे से आपके सामने इज्जत कर लेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन मेहनती व्यक्ति की इज्जत,
पीठ पीछे भी होती और सामने भी होती है, इसलिए हमेशा व्यस्त रहना, फ्री बिल्कुल मत रहना। तो ये 5 आदतें अगर आपके अंदर हैं तो तुरंत छोड़ देना। अगर ये आदतें छोड़ देना तो दुनिया आपको सलाम करेगी, रेस्पेक्ट करेगी और हर जगह आपकी इज्जत होगी।